नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल श्री होम्योपैथिक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर राजेश गौतम आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा वार्म वाटर यानी गर्म पानी के लिए। गर्म पानी आपको किस प्रकार लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। और साथ ही इसके बेनिफिट आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कितने बेनिफिट गर्म पानी पीने के होते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर दिन भर में सैकड़ों प्रकार के काम करता है, उसमें से 90% काम का हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना पचाना, ब्लड बनाना, हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को, विषैले तत्वों को बाहर निकालना, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती हैं। जब आप सोए हुए होते हैं तब भी हमारे शरीर में ये क्रियाएं अपना काम निरंतर चालू रखती हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन सब क्रियाओं को चलाने के लिए हमारे शरीर में पानी की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक कार या मोटर गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन यानी कि डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे शरीर में 65% पानी होता है और यह महिलाओं में 52% पानी होता है और हमारे शरीर की छोटी बड़ी सभी कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पानी से होता है। तो पानी के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे फायदे हैं, पानी के बहुत से लाभ हैं। जैसे सबसे पहले आपको पानी कब पीना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पानी सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं पानी में, वो सब खत्म हो जाती हैं। और जब वो पानी गर्म करने के बाद उस पानी को आप मिनरल वाटर से कंपेयर करेंगे तो मिनरल वाटर की अपेक्षा आपका जो पानी गर्म किया हुआ पानी है वो 100 गुना ज़्यादा शुद्ध और बेहतर होता है। तो आप रोज़ सुबह 1 से 2 गिलास गर्म पानी पिएं। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप गर्म पानी लेते हैं तो आपके जो एक्स्ट्रा चर्बी है, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, आप मोटे हैं तो आपकी जो चर्बी होगी वो बर्न होगी और साथ में जो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो तेज होगा। तीसरा, कब्ज़। हमारे देशवासियों की सबसे बड़ी समस्या है कब्जियत। जी हाँ, अगर आप 1 से 2 गिलास गर्म पानी अगर रोज़ सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपका कब्ज़ ठीक हो जाएगा, आपके जो आंतें हैं उनकी सफाई होगी और आपकी आंतों की सफाई होने के साथ साथ आपका जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, और आपको जिनका कब्ज़ के कारण सुबह पेट साफ नहीं होता, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि सुबह 1 से 2 गिलास गर्म पानी तो आप लें, लेकिन साथ ही साथ आप हर घंटे पे जब भी आपको प्यास लगे, हर गिलास आपको गर्म पानी हर घंटे पे लेना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन और आपका कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है पाचन तंत्र। अगर आप 1 से 2 गिलास गर्म पानी सुबह रोज़ पीते हैं तो आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, आपकी आंतों की सफाई होगी और आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। अगर रोज़ सुबह आप गर्म पानी पीते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपकी बॉडी से जो विषैले पदार्थ हैं, तत्व हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जब आप गर्म पानी पीते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ता है और शरीर का तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर में पसीना आता है और पसीने के माध्यम से जो विषैले तत्व होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बालों की समस्या। गर्म पानी पीने से बालों की समस्या खत्म हो जाती है। जिनके बाल रूखे हैं, जिनको हेयर फॉल की दिक्कत है, जिनके बाल कमज़ोर हैं, झड़ते हैं, ऐसे लोगों को रोज़ सुबह गर्म पानी पीना चाहिए और कंटिन्यू अपनी दिनचर्या में गर्म पानी को शामिल करना चाहिए। वो देखेंगे 3 से 6 महीने लगातार आप गर्म पानी का उपयोग करके देखें और आप चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। आपकी हेयर फॉल की या बालों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ड्राई स्किन, जिनकी स्किन रूखी है, स्किन की परेशानी है, जिनको चर्म रोग संबंधित परेशानी है, वो रेगुलर अपनी दिनचर्या में सुबह खाली पेट
पानी गर्म पानी पिए, एक से दो गिलास गर्म पानी पिए और देखेंगे कि उनकी जो स्किन की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों एक और बहुत अच्छा फ़ायदा गर्म पानी पीने का होता है कि अगर आप सुबह खाली पेट एक से दो गिलास गर्म पानी पीते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, कई लोगों को हमने देखा हाई बीपी की प्रॉब्लम्स रहती है और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं होता, उनको नमनेस आ जाती है, सुन्नपन आ जाता है और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं रहता है। तो अगर आप कंटिन्यू गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे गर्म पानी पीने के फ़ायदे, आपको कि गर्म पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऐसे हजारों और फायदे आपके शरीर को होते हैं जो इंडिविजुअल फ़ायदे होते हैं, जो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को आपके शरीर में बनने से रोकते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अब आपको पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, तो दोस्तों दिन भर में आपको कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, या फिर आप किसी बीमारी या किसी बीमारी की मेडिसिन आपकी चल रही है या आपके शरीर में कोई बीमारी है, हाई बीपी, लो बीपी या फिर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, ऐसी और भी कई आपको थायराइड वगैरह की किसी प्रकार की समस्या है, तो आप हर घंटे के ऊपर एक गिलास गर्म पानी पीजिए। तो दोस्तों आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, इसके तुरंत बाद आप पानी ना पिए, कम से कम आधे घंटे बाद आप पानी पिए। इसके अलावा आप जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे पहले और एक घंटे बाद तक पानी ना पिए। इसके बीच में जैसे आप खाना खाते हैं उस दौरान अगर आपको आवश्यकता लगती है कि आपको थोड़ा पानी की आवश्यकता है तो आप उतना ही पानी लें जितनी आपको हल्की सी आवश्यकता है। इसके बाद आप खाना खाने के एक घंटे बाद उस पानी को पिए और आप देखेंगे कि आपको पानी पीने से बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको गर्म पानी के फ़ायदे बताए हैं और गर्म पानी पीने के फ़ायदों के साथ साथ कितना पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए और हमारे शरीर में कितना पानी होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।